अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप भी चाहते हैं दुबई में, शारजा में जॉब करना और विजिट वीज़ा पे अगर आए हुए हैं तो ये देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया 11 है और मैं ऑफिस जा रहा था। सुबह 9 बज रहा अभी, तो रमज़ान का टाइम है, ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्कीप ना करें दोस्तों। ये इंडस्ट्रियल एरिया 11 है शारजा। अगर आप विजिट वीज़ा पे दुबई में या कहीं पे भी हैं तो आप कोशिश करें कि जो 7 स्टेट है यूएई में, अजमान है, शारजा है, और भी है उम्मुल कोई नहीं, उधर नहीं जाएं आप। शारजा ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, शारजा में रहें और इंडस्ट्रियल एरिया में अपना सीवी लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, ये देख लें, ये जो एरिया देख रहे हैं ये सब कंपनी है यहाँ पे। कोई टायर की कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, और ये एक राइट साइड में जो आप कंपनी देख रहे हैं ना, ये मीट की कंपनी है, बीफ की, गोश्त की कंपनी है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे जगह पे आप अपनी सीवी अगर दे रहे हैं, वो लोग सीवी ले लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कॉल आपको ज़रूर करेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरे कितने फ्रेंड ने ऐसा जॉब लिया है अपना यूएई में आने के बाद, इंडस्ट्रियल एरिया में, उन लोगों ने अभी काम, काफ़ी दिन से वो काम कर रहे हैं। तो आप भी इजी आ सकते हैं, एक रूम ले लें। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कॉमेंट ज़रूर करें, रूम ले लें। और एवरी डे थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, विजिट वीज़ा का, आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया का विजिट वीज़ा का जो चार्ज है वो 600 दिरहम, ज़्यादा है नहीं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आ सकते हैं। और रमज़ान के बाद है, रमज़ान में नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रमज़ान में आते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती है, उसको टाइम नहीं रहता कि आपको टाइम दे। बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी चलते हैं रमज़ान में, क्योंकि सीज़न है। तो रमज़ान के बाद आए, ठीक है, ज़्यादा गर्मी में ना आए, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब सीज़न जो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें आके अपना सीवी कंपनी में आप दें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको जॉब मिलेगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।